नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। झांसी के मौरानीपुर में सोमवार की सुबह कार और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार लगभग 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारकर भाग रही बस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, वहीं घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर भेज दिया। बताया गया कि दतिया से पन्ना जा रहे क्रेटा कार सवार जैसे ही मौरानीपुर के आगे पहुंचे, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खजुराहो पर बड़ा गांव के पास सामने से आ रही बस पीताम्बरा ट्रेवल्स ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसने कार के परखच्चे उड़ा दिए और कार में सवार अजय श्रीवास निवासी ललितपुर, निर्देश पुत्र सूरज नारायण ललितपुर, राधेश्याम शिवहरे निवासी दतिया सहित एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें मौके पर मौजूद राहगीरों व 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। तो वहीं टक्कर मारकर भाग रही बस को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। मौरानीपुर से पत्रकार जगदीश की रिपोर्ट। दतिया से कहां जा रहे थे? पन्ना जा रहे थे काम पे, शराब लाइन में काम करते हैं। तो जब मैनेजर साहब हैं मेरे साथ में, हम लोग जा रहे थे झांसी से, तो निकले हैं अभी थोड़ी देर पहले, अचानक हम सामने बस वाले ने मार दी टक्कर। अच्छा। हाँ, कितने लोग थे आप? हम 4 जने हैं, भाई साहब के बड़े भैया के मैसेज हैं, उनका लड़का है और भाई साहब हैं, घुमनी में वहाँ पे देवन नगर में, और मैं सेल्समैन हूँ। यही मऊरानीपुर से आगे ढाबा के पास में, नाम तो जानते नहीं थे कौन सी जगह है। हमारी वो थी क्रेटा, सामने से मार दी उसने।